फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मास पर, यानी कि किलोग्राम पर। फ्रेंड, हम लोग जानेंगे कि क्या होता है किलोग्राम, यानी कि स्टैंडर्ड मास क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस, और किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस आए और अभी भी आ रहे हैं, और इसमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ रही क्यों है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। हियर वी गो। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मास की। मास होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में किसी भी बॉडी के अंदर का जो मैटर होता है, जिस पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कहने का मतलब है अगर हम लोग उस बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स लगाएंगे, उस पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके मैटर पर, ना उसका मैटर घटेगा ना उसका मैटर बढ़ेगा। तो उस मैटर को ही मास कहा जाता है। अब ये जो मास है, ये जो मैटर है, वो उसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम हो सकता है कि बॉडी का छोटा हो, लेकिन उसके अंदर मास यानी मैटर बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि आपने देखे होंगे, छोटे छोटे छर्रे होते हैं, उसके लोहे के छर्रे होते हैं, तो उनका जो वज़न होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो दिखते बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर जो मैटर है वो उस चीज़ परवाह नहीं करता है उसके वॉल्यूम की और भार से लगने वाले फोर्सेस की, होता है मास। अब यहाँ पर मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मास और वेट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मास और वेट में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, मास और वेट अपने आप में दो अलग चीज़ें हैं। ऑर्डिनरी कंडीशंस में किसी चीज़ का मास कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है अगर मैं उस पर किसी तरीके का फोर्स लगाऊँ, मान लीजिए ये बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने किसी तरीके का फोर्स लगाया, तो अब चाहे इसकी सिमेट्री बदल जाए, इस बॉक्स की सिमेट्री बदल जाए, कहने का मतलब है कि ये बॉक्स अगर स्क्वायर था तो ये कुछ इस तरीके से हो जाए, चपटा हो जाए, मतलब, लेकिन इसके अंदर का जो मैटर है वो तो इसी के अंदर ही है ना, मतलब उस मैटर में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो मैटर तो उतना ही है, तो इसका मतलब उसका मास कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे यह ध्यान रखना, यहाँ पे बात में सिर्फ इसकी सिमेट्री चेंज होने की कर रहा हूँ। अगर कहीं इस बॉक्स का कोई हिस्सा टूट गया तो समझ लेना कि इसके मास में आ गया डिफरेंस, ये चीज़ से बिल्कुल अलग हो गई। अब इस अलग होने वाले पॉइंट को ध्यान में रखना, इसको लेके हम आगे बात करेंगे किलोग्राम पर। ये तो यहाँ पर टूटना नहीं चाहिए, इसकी सिमेट्री भले चेंज हो जाए तो यहाँ पर मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो वेट होता है वो एक्चुअली क्रिएट होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण। कहने का मतलब है कि इसी बॉक्स को अगर मैं अपने हाथ में कुछ इस तरीके से उठा लूँ कुछ इतनी ऊंचाई पर, तो मेरे को कुछ वेट महसूस होगा, लेकिन अगर मैं इसे अपने सर पर रख लूँ तो वेट बढ़ जाएगा। कारण, ज़मीन से इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई, पहले से बढ़ गई। तो यहाँ पर इस बॉडी का जो मास है, ग्रेविटेशनल जो पुल है मल्टीप्लाई बाय, और इसकी जो हाइट है वही बनी MGH, वो उसका वेट बता रही है कि कितना वेट मुझे नीचे की तरफ लगेगा। तो ये MGH एक फार्मूला भी है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको किसने दिया और कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी। यहाँ फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं वेट के ऊपर। तो यहाँ पर दो पोजीशन थी, एक मेरे हाथ पे था, दूसरा मेरे सर पे है। तो यहाँ पर हाइट बढ़ने की वजह से ग्रेविटी का जो जोर है वो ज़्यादा बढ़ गया और हमारा वेट है वो बढ़ गया इस बॉक्स का। इसी तरीके से हम लोग बात करें कि लोएस्ट ग्रेविटी जिस प्लैनेट पे है, उस प्लैनेट का नाम है मरकरी, यानी कि 3.7 मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपका वेट सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो बहुत कम है। इसी तरीके से हाईएस्ट ग्रेविटी जुपिटर पे है तो आपका वेट बहुत ज़्यादा होगा। उसकी हाईएस्ट ग्रेविटी है तकरीबन 26 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के आसपास। ये हो गया वेट का कंसेप्ट। अब हम लोग हमारे पुराने टॉपिक पे वापस आते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड मास पे वापस आते हैं। कि फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड मास है, इसका जो यूनिट है SI यूनिट, उसको हम लोग किलोग्राम यानी कि KG से डिफाइन करते हैं। ये एक्चुअली उसी टाइम पे 1799 के आसपास, यानी कि लेट 18th सेंचुरी के अंदर इसको डिफाइन किया गया था। लेकिन यहाँ पर इसको डिफाइन करने का तरीका क्या था? इसको डिफाइन करने के लिए एक सिलेंडर बनाया गया था जो कि बना था इरिडियम प्लैटिनम के साथ साथ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मीटर स्केल की जो बार बनी थी ना, उसी तरीके से ये भी बना था। रखा गया था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि पेरिस के पास स्थित है, यानी कि इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पर रखा गया था। उसी तरीके से इसके बहुत सारे पीसेस, यानी कि उसके बहुत सारे, ऐसा समझ लीजिए क्लोन कह सकते हैं, बना करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रखे गए थे एक ही किलोग्राम के। जैसे कि उनमें से एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि NIST, ये बहुत ही बड़ा मेजर्स का और स्टैंडर्ड्स का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का सेंटर है, जो कि गैदर्सबर्ग के मैरीलैंड, यानी कि मैरीलैंड में गैदर्सबर्ग नाम की एक जगह है, वहाँ पर स्थित है, वहाँ इसे रखा गया था।
तो यहाँ पर काफ़ी सालों से इस तरीके के जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स नापने के जो यंत्र है वो रखे जा रहे थे। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि इस सिलेंडर के आधार पर ही हम लोग 1 kg नापते आए हैं पूरी की पूरी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी पूरी दुनिया में। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक बदलाव आ गया। देखिए, 130 सालों से जिस प्लैटिनम और इरिडियम, जो कि जिसमें भी प्लैटिनम 90% और इरिडियम 10% है जिस सिलेंडर, यानी कि गोल्फ बॉल के साइज़ का है एक्चुअली वो, हम लोग किलोग्राम का प्रोटोटाइप मानते आ रहे थे। प्रोटोटाइप का मतलब एक स्टैंडर्ड किलोग्राम, मतलब उसी के आधार पर दुनिया के सारे किलोग्राम्स मापे जाते हैं, इस पूरे प्लैनेट के, ऐसा समझ लीजिए। और दूसरे प्लैनेट पर भी हम नापेंगे तो इसी के आधार पर नापेंगे, तो ये चीज़ मानी जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, जो NIST है उसने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर हमें ये पता चला था कि जो एयर की वजह से ये जो प्लैटिनम और इरिडियम से बना हुआ ये जो सिलेंडर है, वो कुछ पार्टिकल्स है जो कि उसके अंदर जाकर के जुड़ गए, तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा भारी हो गया। यहाँ ध्यान से सुनिए इस बात को कि थ्रू एयर बहुत से पार्टिकल्स है जा जाके इस सिलेंडर में जुड़ गए, जिसकी वजह से वो हैवियर हो गया। और फिर क्या हुआ, दूसरी चीज़ क्या हुई कि सिलेंडर की सफाई की गई। हमें पता है कि किसी भी चीज़ की सफाई रेगमाल जैसी चीज़ों से की जाती है, तो जब इसकी सफाई की गई तो वो जो कचरा था जो जाकर के इस पे जम गया वो तो हट गया, लेकिन साथ साथ में थोड़ी बहुत प्लैटिनम और इरिडियम की जो मात्रा थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि वो पहले से थोड़ा बहुत हल्का हो गया, यानी कि लाइटर हो गया। तो यहाँ पर कंडीशन बिगड़ गई, पहले भारी हो गया फिर लाइटर हो गया। तो अब यहाँ पर जो एक्चुअल मान था 1 kg का, जो वैल्यू था, वो हम लोगों ने लूज़ कर दिया। और इतने सालों में, अकॉर्डिंग टू NIST, इतने सालों में हम लोगों ने उसमें से 50 माइक्रोग्राम्स मास का, 50 माइक्रोग्राम खो दिया था। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो मास है वो एक जैसा ही रहता है, लेकिन अगर कोई चीज़ उसमें से टूट जाए या बाहर निकल जाए तो उसके मास में चेंज आ जाता है। तो यही वो वाला पॉइंट था जिसके अंदर 50 माइक्रोग्राम्स मास जो है उस सिलेंडर का ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब अब इसे एक स्टैंडर्ड किलोग्राम नहीं माना जा सकता, ये चेंज आ चुका है। अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है, काफ़ी इसके ऊपर डिबेट्स हो रहे हैं। दुनिया भर के कई सारे साइंटिस्ट तो इस बात को मान भी गए हैं कि अब हम इसे रीडिफाइन करना चाहिए, अब हमें इसे, क्योंकि अगर हम लोग बात करें लेंथ की, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड लेंथ को मानने के लिए उससे पहले हमें 3 डेफिनेशंस मिली थी, लेकिन हमने एक नई डेफिनेशन उसकी बनाई थी 1983 में। वो क्या थी कि एक ऐसा कांस्टेंट जो पूरी की पूरे यूनिवर्स में एक समान ही रहे, एक ही कांस्टेंट रहे, उसके आधार पर हम लोगों ने मीटर बनाया था। अब हमें कोई एक ऐसा कंसेप्ट चाहिए जिसकी मदद से हम लोग मास को भी रीडिफाइन कर सके। तो कौन सा वो कांस्टेंट हो सकता है, तो उस कांस्टेंट का नाम है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट ही एक ऐसा कांस्टेंट है जो पूरी की पूरी दुनिया में, पूरे पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो इस प्लैंक कांस्टेंट की मदद से ही जो हमारा किलोग्राम है उसकी नई डेफिनेशन दी गई है, जो कि कुछ इस तरीके से है। इस डेफिनेशन को 2018 में बनाया गया, जिसमें जो किलोग्राम है वो प्लैंक कांस्टेंट के द्वारा डिफाइन हो रहा है, ना कि किसी सिलेंडर, यानी कि किसी मेटल के सिलेंडर के द्वारा जैसे पहले किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये इसके पीछे भी एक प्रोसेस है, इसके पीछे एक कैलकुलेशन है जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। अभी भी काफ़ी साइंटिस्ट इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग इससे समझ भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके प्रोसेस के ऊपर आगे हम चल इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर किलोग्राम क्या था और अब इसे चेंज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।